मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का ये राजघाट है, ये ताप्ती नदी का राजघाट है, ये सूर्यपोती ताप्ती नदी का राजघाट है, ये गवाह बना है 1,08,000 दीपों का, ये इतिहास रचा है। ये कार्यक्रम का विधायक अर्चना चिटनिस का, यहाँ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मौजूद है, यहाँ महापौर माधुरी पटेल मौजूद है, यहाँ पे कई सारे नेता मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से माहौल है, किस तरीके से भक्ति का माहौल है। ये वाकई में इतिहास रचा है, क्योंकि सरयू के तट पर वहाँ पे रामलला की स्थापना हुई है। वहाँ पे जो उत्साह उल्लास है वो हमें बुरहानपुर के ताप्ती नदी के तट पर भी देखने को मिला है। यहाँ पे सब जगह लोग ही लोग हैं, यहाँ भक्त ही भक्त हैं, यहाँ पे महिला है, यहाँ पुरुष है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर सांसद ने भी अपनी बात कही है, यहाँ पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि इतिहास रचा है ताप्ती नदी पे। इससे पहले इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे नहीं हुआ जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सांसद ने भी अपनी बात रखी है, वहीं महापौर ने भी अपनी बात रखी है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे झांकी बनी है, राम लखन सीता है यहाँ पे, यहाँ पे केवट की झांकी बनी है, केवट पे भी ये पहुंचे थे नाव के माध्यम से। यहाँ पे लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पे आतिशबाजी भी की जा रही है ताप्ती नदी के उस पार से। लगातार आप वीडियो में बने रहिए, हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। सूर्य पुत्री माँ ताप्ती के तट पर आपने भी सबने देखा है कि कैसे यहाँ के जनजन ने रचा है। सरयू के किनारे अगर राम जी विराजमान हुए हैं, 495 वर्ष बाद एक नए सूर्य का उदय होता हुआ हम देख रहे हैं, नया युग प्रारंभ हुआ देख रहे हैं। तो हमारे ब्रह्मपुर में, हमारे बुरहानपुर में, हमारे ब्रह्मपुर में भी आज 1,08,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं राजघाट पर ताप्ती के तट पर। Oh,
में माइक लगा हुआ है ना। बस राम की बात करें, जो